के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कंठ किताब पढ़वाएंगे। अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। सर आपने ट्वीट किया है छोटा रिचार्ज और क्या क्या बातें बोली हैं, किसके लिए बोला है आपने? मैंने जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कंठ किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा, तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है, और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, बताइए, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कह रहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में, क्या हो रहा है फिर? ये क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? सर अभी राम मंदिर के दर्शन के मसले पे भी कांग्रेस पार्टी के लोग मकर संक्रांति पे दर्शन करके आए, कहे 22 तारीख को नहीं जाएंगे मकर संक्रांति, तो लेकिन लोग दर्शन करके आए। नहीं, इतना जो आप जो पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन करना चाह रहे हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा क्या संविधान में जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी की जो बात होती है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, किसको फायदा हो रहा है? आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं, अब बताइए फर्क क्या है फिर? यही तो हमारी शिकायत रही है, यही तो हम लड़ रहे हैं और इसीलिए हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। भाई आप सरयू नदी को जाएंगे, कोई कहता है वहां नहीं जाएंगे, कोई राष्ट्रपति कह रहा है कि नासिक आ जाइए, कोई कह रहा है कि दिल्ली के स्कूल अस्पतालों में हम हनुमान चालीसा और ये कर देंगे, तो फिर फर्क क्या बचा है आप में? अभी भी वक्त है कि इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, ओबीसी सेक्शन के कई बड़े लोग हैं और खास तौर से मुसलमानों से, अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए आप, ये आप ही के सामने हो रहा है ना, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। सर राहुल गांधी एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, चलिए वो निकले हैं तो अब देखिए क्या होता है। तेलंगाना में सरकार बना लिए, तेलंगाना भी आज पे यात्रा करके गए थे। नहीं चलिए अब देखिए यात्रा कर रहे हैं, चलिए यात्रा की उनकी यात्रा है, उनकी पार्टी बोलेगी कितना फायदा होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये तो आपको हमको मालूम हो जाएगा।